उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो है उत्तराखंड भर्ती घोटाला, और बहुत सारे विभागों में ये भर्ती हुई है। इन सब में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। मंत्री जी, सबसे पहले कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं, वो आज से नहीं, जब से उत्तराखंड बना है, जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हमारा जो युवा है वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है कि आखिर हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं? देखिए, युवा ही नहीं, इसमें हम लोग भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें होती रही, लेकिन सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और संवेदनशील है। इसीलिए आपने देखा कि तत्काल सेवा आयोग के अध्यक्ष, सरकार के रुख को देखते हुए अधीन सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा दिया गया और सचिव को हटाने का काम किया गया और 5 अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस बैंड बैठा दी गई है। इसके साथ साथ 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं और लगातार SIT अपना काम कर रही है। इसको सरकार इस मामले को, और लेकिन युवाओं पर असर न पड़े इसीलिए जो अधीनस्थ सेवा आयोग को तकरीबन 7,000 पद सरकार ने दिए थे, उन 7,000 पदों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया कि ताकि समय पर एग्जाम्स होकर, भर्तियाँ होकर के रोजगार बच्चों को मुहैया करा जा सके। विधानसभा की बात उठी तो विधानसभा में भी जांच समिति बैठाई गई है 3 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स की, ताकि उनके ऊपर कोई दबाव भी न रहे और जहाँ ढंग से कर सकते। तो सरकार, मैंने आपसे कहा कि जो भर्तियों में बदमाशियाँ हुई हैं, जो जिस तरह से लेन देन हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, इन सबको लेकर के सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर कठोर कार्रवाई करने का मन बना चुका है। मंत्री जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो बेरोजगार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि CBI जाँच की मांग, वो विपक्ष कह रहा है, तो क्या आपको लगता है कि CBI जाँच की मांग होनी चाहिए या जिस तरीके से जाँच अभी बैठाई है सरकार ने, उस तरीके की सुचारू रहनी चाहिए? देखिए, दोषियों को सजा देने का ही सबका उद्देश्य है और मैंने आपसे कहा कि सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार की सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो लिए मुझे लगता नहीं, अगर ये 30 लोग SIT ने पकड़ लिए हैं तो मुझे लगता है वो उनको जिस तरह से पूरे केस की जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, इसमें निश्चित रूप से बहुत एकदम मुझे दूर का दूर पानी का नहीं होगा। केवल इस जांच के समय कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित भी नहीं है, जांच के परिणाम आने दीजिए। मंत्री जी, आखिर सवाल आपके, एक सहयोगी मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, नीतिगत निर्णय, नीतिगत निर्णय में जोशी जी की अपनी राय हो सकती है, जो भी निर्णय होगा वो कैबिनेट में सामूहिक निर्णय होगा। मंत्री जी, जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो अग्रवाल जी के समय हो या फिर कुंजवाल जी के समय हो, उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक चहेतों को नौकरी देने के लिए अन्य बेरोजगारों की अनदेखी होना? देखिए, आपने खुद कहा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया उनकी भी जाँच के लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी में 3 ऐसे नौकरशाह को रखा गया जिनका सामान्य परसेप्शन भी जनता के बीच में ईमानदार अधिकारी करा है। तो तीनों की कमेटी है, तीनों कमेटी ये बताएगी कि क्या क्या घपले हुए हैं, क्या निमित्ताएँ हुई हैं, तो उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी का कहना है कि किसी के साथ आया नहीं होगा, जो बेरोजगार हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती होंगी, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।